देखिए ये फिल्टर, क्या हाल है इस फिल्टर का। और यहाँ पे देखिए ये कितनी गंदगी है, ये इसे सारे को हम यहाँ से मेन काम है साफ सफाई का, और जिसकी सफाई अच्छी नहीं है उसका काम भी ऐसे ही होगा। हम इसको वॉश करेंगे सारे को यहाँ से, और वॉश करने के बाद दिखाएंगे। जब हम इसको वॉश करेंगे कितनी गंदगी निकल गई है यहाँ से, और ये जॉइंट कर दिया हमने यहाँ से, और जो ये होता है ये बिल्कुल इजी तरीके से फ्री होना चाहिए, और इसमें कोई आगे पीछे की प्ले भी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए ये फिल्टर हमने वॉश कर दिया है, और यहाँ से सब गंदगी हटा दी है। ये अंदर तक देखिए कोई इसमें गंदगी नहीं छोड़ दी, देखो साफ सफाई मेन चीज़ है। बड़ी ऑयल ये पुराना डलवाना है, वैसे नई की सलाह देंगे, अगर पुराना ये पीछे डलवाना चाहेंगे तो उसको भी वो गंदगी निकलेगी, और उसको छान कर डाल देंगे। जो हाइड्रोलिक में हमने कुछ नहीं किया है, एयर में हमने काम किया है, इसमें अगर हम नया डाल देंगे 90 नंबर का, और ये यहाँ पे हमने पॉन्ड वगैरह लगा ली है, और इसको हम मिलाएंगे। ये ट्रैक्टर हमने कंप्लीट कर दिया है, अब इसमें हम नया ऑयल डाल देंगे। ये एचपी का लाए हैं हम 90 नंबर का, ये 15 लीटर सीएल लगेगा इसके अंदर। ये देखिए एचपी का 5-5 लीटर की पैकिंग लाए हैं, 3-2 AD और 1 AD करते हैं इनको। ये अब दूसरी खोल लेंगे,
ये अब पूरा 15 लीटर हो जाएगा ये कैन डालने के बाद। और तेल अच्छी क्वालिटी का ही डालना है, ये भी तेल ना इतना महंगा है ना इतना सस्ता है, एचपी का ठीक क्वालिटी है। और ये तेल डाल लिया है इसमें, अब इसको चेक करते हैं।